हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, इससे पहले आपको हम लोग क्षारक की उदाहरणा पढ़ा रहे थे। हम लोग क्षारक की उदाहरणा आर्गेनिस के अनुसार, ठीक, आर्गेनिस के अनुसार हम लोग क्षारक की उदाहरणा आपको बताई थी। वो परिभाषाएं सिर्फ जली मिलियन के लिए सत्य हैं, निर्जल विलायकों के लिए सत्य नहीं है, ठीक। इसलिए प्रॉनिस्टर व लॉरी ने अम्ल और क्षारकी या अम्ल क्षारक के व्यवहार को समझाने के लिए ओटान विनिमय सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक। तो इसमें लिखेंगे ब्रॉनस्टेड व लॉरी ने अम्लों तथा क्षारकों, या इसे कहते हैं बेसों, के व्यवहार को समझाने के लिए प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत उत्पादित किया। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत उत्पादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ये ब्लैक पेन से लिखना परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक। अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में जली विलयन नहीं, वहां पर जली विलयन चल रहा था, ठीक। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक। अब H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं, ये जल के एक अणु के साथ संयोग करके, अधिक अणुओं के साथ संयोग करके H3O प्लस आयन बनाता है। यह होता हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस आयन देते हैं, मतलब प्रोटॉन। H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, देखिए H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन होता है वन वन, जो साधारण हाइड्रोजन है वो वन वन होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक। न्यूट्रॉन होते नहीं है, जीरो न्यूट्रॉन। भाई प्रोटॉनों की संख्या यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसको घटाओ तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है नहीं, और जब ये एच प्लस हो जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएंगे, तो ये कहलाता है प्रोटॉन। तो एच प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक। कि अब ये पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जो विलयन में प्रोटॉन, प्रोटॉन के ब्रैकेट में सकते हो एच प्लस देते हैं, ठीक। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में या दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, बातें की चीज है, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे HCl है और ये जल है, ठीक। तो इसको क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा। तो जब इसको प्रोटॉन देगा तो यहां पर क्या आएगा, H3O+, इसको H+ दे दिया और ये Cl- आपका अलग हो गया, ठीक है, ये जली विलयन है। या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको H+ दे दिया क्या होगा, ये H3O और प्लस, प्लस भी तो आ गया और Cl- आपका अलग हो गया, तो ये क्या अम्ल है, HCl क्या आपका है अम्ल, क्योंकि दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे रहा है H+, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में या दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, ठीक। अर्थात प्रोटॉन दाता आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल। जैसे एग्जांपल ये, अब क्षारक देख लीजिए, क्षारक वे पदार्थ हैं
क्षारक में पदार्थ होते हैं या है बातें की चीज है जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इसलिए लिखा गया प्रोटॉन विनिमय, मतलब प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है एक्सचेंज। कि क्षारक में पदार्थ होते हैं जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अर्थात प्रोटॉन ग्राही क्षारक कहलाते हैं। प्रोटॉन ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला और दाता मतलब देने वाला डोनर। तो अम्लीय पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन ग्राही सबको एच प्लस देते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, ठीक। और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अर्थात प्रोटॉन ग्राही क्षारक कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये NH3 है, NH3 ये NH3 है और ये आपका H2 है, ये क्षारक है। क्यों? क्योंकि इससे H+ ग्रहण करेगा, ये क्या आएगा NH4+ बन जाएगा और यहां OH- आपका अलग हो गया, ठीक। ये क्या है क्षारक, ये क्या है क्षारक। क्यों? दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है या विलयन से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। बात सबको सुना है कि नहीं? NH3। तो अमोनिया क्या है? क्षारक प्रकृति है या क्षारी प्रकृति है क्योंकि इससे H+ ग्रहण कर रही है। H+ से ले लिया तो हो गया NH4+, NH3 था तो NH4 हो गया और प्लस हो गया और OH- आपका अलग हो गया तो अमोनिया क्षारक हो गई। ये हो गई ब्राउन स्टर्ड व लॉरी की अवधारणा या प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, ठीक। अब सब दाता एक नोट में बता रहे हैं क्षारकी, एल्काली से बोलते हैं, ठीक। देखो अभी तक पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक पढ़ रहे थे, क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस बेस। और एक और शब्द होता है क्षार, तो ये क्या होता है ये जान लीजिए नोट में, इसीलिए आपको लिख लेना है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील या विलय होते हैं, ठीक, जल में विलय होते हैं, ठीक, क्षार कहलाते हैं। कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिए कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक, क्षार नहीं होते। वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो हमने बताया कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है NaOH, KOH, क्षार व क्षारक दोनों हैं, क्षार व क्षारक दोनों हैं परंतु, बात सब सुना रहे कि नहीं? NaOH व KOH क्षार व क्षारक क्या है? दोनों हैं, ये क्षार भी है और क्षारक भी है। ध्यान रखिएगा कि वे क्षारक जो जल में विलय यानी घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक। जैसे कि सभी आदमी डीएम नहीं होंगे, ठीक, सभी आदमी क्या नहीं होंगे? डीएम, परंतु जितने भी डीएम होंगे वो सब आदमी होंगे, ठीक। बात सबको सुना रहे कि नहीं? भाई सभी आदमी क्या नहीं हो सकते? डीएम, लेकिन जितने भी डीएम होंगे वो सभी इंसान तो होंगे, आदमी तो होंगे ही, ठीक।
उसी तरीके से है कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, परंतु सभी सभी क्षार आपके जितने भी होंगे सब क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक, तो कंफ्यूजन आपका ऐसे दूर हो जाएगा अगर कोई दिक्कत है। जैसे NH वा KOH क्षार वा क्षारक दोनों है, परंतु परंतु FeO क्षारक है लेकिन क्षार नहीं है, लेकिन क्षार नहीं है। ठीक भैया, आपका क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं, ये आपके क्षार भी है और क्षारक भी है, परंतु जो आपका FeO है वो क्षारक तो है लेकिन क्या नहीं है, क्षार नहीं है। ठीक, क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है। बात सबको सुनाई कि नहीं? तो NaOH KOH आपके क्षार भी है, क्षारक दोनों बातें होती थी। तो नोट में आप लोग लिखोगे क्षार की परिभाषा कि वे क्षारक जो जल में मिले होते हैं क्षार कहलाते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए अम्लों के सामान्य गुण, फिर इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर क्षारों के सामान्य गुण, क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर इसमें लवण आएगा, और फिर आप लोग जो लवण पढ़ोगे, आपके कोर्स में चार पांच लवण है और उनमें से एक लवण आपका आना अनिवार्य है। ठीक, जो उधर पढ़ोगे भाग वो अधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो सामान्य गुण क्या है कि अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात लकड़ी कपड़ा त्वचा इत्यादि को काट देते हैं। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन इनको चक्कर नहीं देखा जाता है, क्योंकि चखोगे तो आप जल जाओगे। ठीक, क्योंकि संक्षारक प्रकृति है इसके कारण। अम्ल जल में विलय होता है, अम्ल को जब जल में विलय करेंगे तो अत्यधिक ऊष्मा निकलेगी और द्रव में उच्छालन होगा, इसीलिए आपके हाथ पर पड़ जाएगा तो आपका हाथ भी जल जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं कि हमारा अगर गाढ़ा अम्ल है मतलब सांद्र अम्ल, उसको तर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, तर्म करने के लिए इसमें पानी नहीं मिलाते हैं। ठीक, कि सांद्र अम्ल है इसको तर्म अम्ल बनाना है तो इसमें क्या नहीं मिलाते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं। आप सोचते हो फिर क्या मिलाया जाएगा, पानी में अम्ल मिलाते हैं। ठीक, सांद्र अम्ल को तर्म करने के लिए इसमें जल नहीं मिलाते, फिर सोचते हो आप लोग क्या मिलाया जाता होगा, जल में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं। ठीक, तो क्या बात देखी चिट हुई, बात एक नहीं हुई कि जैसे अम्ल आपका बहुत अधिक मात्रा में है और इसमें हम जल डाले तो क्या होगा, अत्यधिक ऊष्मा निकलेगी, आपका पात्र चिटक सकता है, टूट सकता है और द्रव उछल कर बाहर आएगा, आपके हाथ जल सकते हैं। और जब क्या होगा, जब पानी इसमें ज्यादा होगा और अम्ल इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे तो अत्यधिक ऊष्मा नहीं निकलेगी और इसमें उच्छालन नहीं होगा, अर्थात द्रव बाहर नहीं आएगा। इसीलिए सांद्र अम्ल को तन बनाने के लिए, मतलब ये गाढ़ा है इसको पतला करने के लिए पानी नहीं मिलाते हैं, बल्कि पानी में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं। ठीक, अगला नंबर, या जो है नम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ये अम्लों के सामान्य गुण है, अभी हम लिख देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे और फिर इसके बाद रासायनिक गुण चलेंगे। ठीक, अम्लों के सामान्य गुण आप लिख लेंगे, अभी समझाया था आपको हमने। पहला नंबर, अम्ल प्रबल प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ है, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी कपड़ा कागज त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। देखते होगे कि तेजाब वगैरह, तेजाब जानते हो, त्वचा को काट देता, कपड़े को काट देता। ठीक, वो भी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है लेकिन संक्षारक प्रकृति के कारण इन्हें चक्कर नहीं देखना चाहिए। ठीक, नहीं तो आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, मुंह जल जाएगा आपका। अम्ल जल में विलय होते हैं, इसके आगे हमने नहीं बताया, वो कारण से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं, वहां बताएंगे कि अम्ल को सांद्र अम्ल को तर्म करने के लिए पानी पानी नहीं मिलाते हैं, बल्कि पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलाते हैं। ठीक, ये आपको कारण से क्वेश्चन बताया जाएगा, वहां पर सिर्फ ये लिखेंगे आप जल में विलय होते हैं बस, या जल में विलय हैं। अम्लों का जले विलय नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। ठीक, और उसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण होंगे, उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा अम्लों के रासायनिक गुण का। ठीक, इतना जो पढ़ाया उसे आप लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे।